ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है आपके एक्सरसाइज 14.1 का, स्टेटिस्टिक्स का चैप्टर 14 का 10th में से। तो अब हम क्या कह रहे हैं कि अभी तक हमने जो किया था वो डायरेक्ट मेथड से किया था, 9th में भी जो आपने मीन निकालना सीखा था वो डायरेक्ट मेथड से सीखा था। लेकिन अब हम थोड़ा सा इसको इजी करते हैं, पहले इसको लेते हैं फिर इससे भी एक और टिपिकल टफ कैलकुलेशन वाले को करेंगे इसी से। तो पहले वर्टिकल टेबल बनाओ, मैं अब यहाँ डेली एक्सपेंडिचर ना लिख के मैं कह रहा हूँ कि इसको हम कहते हैं क्लास। तो क्लास हमें कहाँ से कहाँ तक दिया हुआ है, 100 से स्टार्ट है, 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250। स्टेटिस्टिक्स इज जस्ट अबाउट द कॉलम्स, ठीक है, आपको टेबल कैसे फॉर्म करना है। 250 से 300, 300 से 350, आई थिंक इतने ही कॉलम्स है ना, 350 तक। फिर हमारे पास दी हुई है फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ हाउसहोल्ड्स। तो आपके पास पहले वाले क्लास का 4 है, फिर 5 है, फिर 12 है, फिर 2 है, फिर 2 है। तो ये आपको टेबल गिवन है, आपसे कह रहा है इस डेटा का मीन निकालिए। मैंने आपसे कहा था हर क्वेश्चन में मीन में एक ही काम करना है। सबसे पहले क्या किया था हमने पिछले उसमें क्वेश्चन में, सबसे पहले क्या निकालना होता है बताओ बच्चे? एक्स। वेरी गुड, एक्स किसे कहते हैं, एक्स किसे कहते हैं, एक्स कहते हैं मिड पॉइंट को, मीन मार्क को, जो भी आपके आवाज नहीं रही थी, प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए अगर पीछे आवाज आ रही है तो, ठीक है, अगर आपके पीछे आवाज आ रही है तो माइक म्यूट कर। हमारे पास जैसा पहला क्लास है 100 से 150, तो आपको इसका मिड पॉइंट लेना है। इसका मिड पॉइंट होता है, इसका मिड पॉइंट होता है लोअर लिमिट अपॉन 2, ठीक है, प्लस अपर लिमिट बाई 2। तो आपके पास क्या आएगा, मैंने अभी आपको बताया था कि भाई लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट 150 और प्लस 100 250, 250 बाई 2 आपका हो गया 125। या आप चाहें तो आप सोच सकते हैं कि आपके पास जो गैप है वो 50 का है, 50 का हाफ 25 है। तो अगर 25 को आप लोअर लिमिट में, लोअर लिमिट है आपका 100, तो उसमें अगर आप ऐड करोगे तो वो 125 आएगा। यहाँ पे भी क्लास साइज 50 का है, 150 से 200 में उसका 125 होता है, 150 ऐड कर दो 175, ये हमारे पास आएगा। अगर आपके पास सारे क्लास साइज में 50 का गैप है तो आपके जो ये मार्क, क्लास मार्क आ रहे हैं इनमें भी 50 का ही गैप आएगा। तो अगर आप सोच सकते हैं तो 175 में 250 का ऐड करिए 225 में 50 ऐड करिए 275 में 50 ऐड करिए 325। तो ये आपके पास एक्स आ जाएगा। अब यहाँ देखो जरा ध्यान से, डायरेक्ट मेथड में हम क्या करते हैं, डायरेक्ट मेथड में हम ये करते हैं कि एफ इंटू एक्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं, लेकिन अब नहीं कर रहे हैं। हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एक्स आया है, ध्यान से सुन लीजिए, बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, बार बार पूछते भी हैं। तो इनमें से जो एक्स आया है, तो इनमें से एक्स में से एक्स क्या आया है, 225, 175, 225, 375, 325। आप इसमें से किसी एक डेटा को एज्यूम कर लीजिए एज ए मीन, किसी एक को, आपकी मर्जी, आप पहले वाले को करें, आपकी मर्जी है आप दूसरे वाले को करें, आप तीसरे वाले को करें, चौथे को करें, लास्ट वाले को करें, किसी को भी कर सकते हैं। अच्छा ये है अगर आप अपने बीच वाले डेटा को करें, किसको करें, 225 बीच वाले, तो बीच वाला इस टाइम हमें नजर आ रहा है कि 225। अब क्या करना है, x में से इस a को माइनस करना है सब जगह से। तो जैसा पहला वाला कॉलम में हमारा जो x है वो है 125, यस, है ना भाई, पहली वाली जो हमारी रो है उसमें हमारा x है 125, 125, a हमारा है 225, 225, तो 125 में से अगर 225 माइनस करेंगे तो सीधा सीधा सा 100 आएगा, कितना आएगा 100, तो x माइनस a करना है तो ये आ जाएगा 100, लेकिन x माइनस, लेकिन x पहले लिखा हुआ है, a बाद में लिखा हुआ है, तो ध्यान रखना माइनस में आएगा, माइनस 175 माइनस 225 माइनस का 50 आएगा, माइनस 225 माइनस 225 जीरो आएगा, 225 में से 225 माइनस करेंगे प्लस का 50 आएगा, 325 में से 225 करेंगे 100 आएगा। ध्यान से देख लीजिए, ध्यान से देख लीजिए, जो यहाँ पे क्लास साइज था, क्लास साइज क्या था हमारे पास, क्लास साइज था ये 50 का, 100 से लेके 150, यस, सब जगह 50 का क्लास साइज था। तो ये जो आपके डिफरेंस आएंगे ये सब 50 के मल्टीपल्स ही आएंगे, जिसको आपने ए लिया है वो तो जीरो आएगा,
उससे ऊपर 50 के मल्टीपल्स माइनस में आएंगे, 51 जा 50, 52 जा 100, 53 जा 150, जितना भी ऊपर जा सकते हो, और नीचे प्लस में आएंगे 51 जा 50, 52 जा 100, हमेशा ध्यान रखना। अगर क्लास साइज 5 का होता तो ये 5 के मल्टीपल्स आते, 5, 10, 15, अगर क्लास साइज 20 का होगा तो ये 20 के मल्टीपल्स आएंगे, ठीक है। ये जो x माइनस a लिया है इसको हम कहते हैं d, डेविएशन, डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड जो आपने मीन एज्यूम किया। अब ध्यान से देख लो, अब ध्यान से देख लो सब बच्चे, अब हमें x की जरूरत नहीं है, मैं इसको हटा रहा हूं, x को बाद में लिख दूंगा आपके लिए, ये आपको ध्यान रखना है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो इसका ध्यान नहीं रखना है। और क्लास साइज की भी मुझे अब जरूरत नहीं होती, जब मैं x निकाल चुका होता हूं तो मुझे अब क्लास साइज की भी जरूरत नहीं है। तो आपके लिए मैं रब इसलिए कर रहा हूं कि आप ध्यान से देख लो कि अब हमें कौन कौन से कॉलम्स का ध्यान रखना है, हमें ध्यान रखना है सिर्फ f और d का। तो अब हमें निकालना है f इंटू d। सबसे ज्यादा जो बेटे प्रॉब्लम आएगी या कंफ्यूजन होगा या कैलकुलेशन में गड़बड़ होगी, हमें निकालना था f इंटू d, हम f इंटू x करके बैठ जाएंगे, तो इसलिए ध्यान रखना है कि कौन सी हमारे पास है। तो आपको अच्छा क्या करना होगा, मैंने तो रब कर दिया, आप कॉपी पे पेन रख दिया करोगे, जिसको नहीं समझना है आपके पास जो पेंसिल होगी, पेन होगा, स्केल होगा, उठाया उसके रख दिया कि भाई अब इन कॉलम्स को ध्यान में नहीं देना है, तो जो कॉलम्स बचेंगे उनको ध्यान में देना है। तो f इंटू d देखो बेटे, अब कैलकुलेशन इजी हो गई, अब आपको कॉर्नर में ले जाके नहीं करना। 4 इंटू 100 कितना होगा? 400 माइनस 400 55 जा कितना होता है? 250। कैलकुलेशन इजी हो गई ना। 12 इंटू 0 कितना होता है? 0। 52 जा कितना होता है? 100। 102 जा कितना होता है? 200। देखो एक कॉलम तो हमारा एक्स्ट्रा बना, लेकिन हमारे पास कैलकुलेशन इजी हो गई, आंसर वही 211 आएगा, ध्यान रखना। अब आप इनको सॉल्व करो, आप चेक करोगे कि आपके पास प्लस में जो है 300 आ रहा है, प्लस में कितना आ रहा है? 300। और माइनस में आ रहा है 650, ठीक है। तो माइनस 650 प्लस 300, 350 आ जाएगा, कितना आ जाएगा? 350। आपकी मर्जी है कैलकुलेशन आप कैसे करोगे, जैसे मैं अब ऐसे कर रहा हूँ कि भाई मेरे पास प्लस में 300 आ गया, प्लस का 300 को 400 से माइनस करो, तो 400 से आएगा माइनस का 100, माइनस का 100 ये और माइनस का 250 ये, तो कितना आ गया? माइनस 350। तो जैसे आपको सोचना है आप वैसे सोचिए, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो खैर फाइनली हमारे पास जो हमें निकालना होता है सिग्मा एफ डी, तो हमारा आ गया माइनस 350, कितना आ गया? -350। और हमें निकालना है सिग्मा एफ, शायद सिग्मा एफ हमारा 25 था, 459 21, यस 25, ठीक है। अब फॉर्मूला देख लीजिए होता क्या है, एज्यूम मीन मेथड का, इसको कहते हैं क्योंकि हमने एक डेटा को एज्यूम किया, तो इस मेथड को कहते हैं एज्यूम्ड मीन मेथड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? बार एक्स, मीन का मीन को कहते हैं बार एक्स, अरिथमेटिक मीन या एवरेज, इसको बार एक्स कहते हैं। तो बार एक्स का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा एफ यू डिवाइडेड बाई सिग्मा एफ, लेकिन आपने जो माइनस किया था, बस रिवर्स प्रोसेस है, जो माइनस किया था उसे वापस यहाँ प्लस कर दी, तो सिग्मा एफ यू कितना आया है आपका? माइनस 350, और सिग्मा एफ कितना आया आपका? 25, और आपने एक इसको एज्यूम किया था 12, ठीक है, सिग्मा एफ डी, सॉरी यस एफ यू लिख दिया, सिग्मा एफ डी हमने, सॉरी हमने किसको एज्यूम किया था, अब लिख लेते हैं क्योंकि हमारे पास फिर वो, हमारे पास क्लास साइज थी 100 से 150, 150 से 225 को एज्यूम किया, 200 टू, जी बेटे 200 टू 250 और 250 टू 300, 300 टू 350, और हमारे पास x कितना आया था? 125, 225, 275, 225, 225, 225, 225, 225, 225 बन जाएगा, कितना रह जाएगा? 10, 10 और 0 हो जाएगा 100, और 25 4 जा होता है 100, तो माइनस का कितना आया? 14, तो 225 माइनस 14 कितना होता है? 211 आ गया या नहीं आया है? बताओ सबके सब बच्चे, यस यस सर। ये हमारा होता है कौन सा मेथड है? ये
assuming method. ठीक है, एक कॉलम हमारा फालतू बना है कि हमने डेटा में से किसी एक को एज्यूम किया, डी वाला जो कॉलम है, फिर मल्टीप्लाई तो देखो वहां भी करना था, एफ इंटू एक्स, यहाँ एफ इंटू डी कर रहे हैं, लेकिन यहाँ कैलकुलेशन इजी हो जाता है. तो ये वाला मेथड कहलाता है एज्यूम मीन मेथड. ठीक है, आप कॉपी निकालो और पेन निकालो, एक क्वेश्चन मुझे करके दिखाओ इस एज्यूम मीन मेथड. फिर मैं एक लास्ट वाला मेथड बताता हूँ, स्टेप डेविएशन.